जय हिंद बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह में जो प्रमुख आर्थिक संगठन काम करती है उसके बारे में जानें। मतलब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक का काम क्या है और विश्व बैंक समूह में कौन कौन से अन्य वित्तीय संगठन आती है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये जानेंगे कि आखिर विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई, विश्व बैंक का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो विश्व बैंक कई बैंकों का समूह है। दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जो विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, विश्व के बहुत सारे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था, युद्ध के कारण उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तो विश्व के जो प्रमुख देश थे उन सब देशों ने विश्व की गिरती अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रिटेन वुड्स नामक शहर में एक मीटिंग बुलाई। दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जब विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, विश्व के बहुत सारे देश युद्ध के कारण तहस नहस हो गए थे, तो विश्व के प्रमुख देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रिटेन वुड्स नामक शहर में 1944 ईस्वी में एक मीटिंग बुलाई। और जो देश ध्वस्त हो गए थे उनका पुनः निर्माण कैसे किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, इसी बात पर विचार विमर्श किया गया। और इसी विचार विमर्श के बाद विश्व बैंक नामक एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई। विश्व बैंक जिसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक। तो आइए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, उसके अधीन अन्य कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। ब्रिटेन वुड्स एक शहर का नाम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक राज्य में है। स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ 1944 में, लेकिन विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक में वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 189 मतलब 189 है। विश्व बैंक का उद्देश्य है सदस्य देशों के पुनः निर्माण तथा विकास कार्यों में सहयोग देना, सदस्य देशों के पुनः निर्माण तथा विकास कार्यों में सहयोग देना विश्व बैंक का उद्देश्य है। विश्व बैंक बैंकों का समूह है, कोई एक बैंक नहीं है, बैंकों का समूह है। और विश्व बैंक समूह में 5 बैंक। मन में प्रश्न होगा कि विश्व बैंक समूह में 5 बैंक कौन कौन है, तो वर्ल्ड बैंक समूह में जो 5 बैंक है उसका नाम है आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, आईएमएफ, एमआईजीए। मतलब आईबीआरडी प्लस आईडीए प्लस आईएफसी प्लस आईएमएफ प्लस एमआईजीए इक्वल टू वर्ल्ड बैंक। मतलब इस 5 वित्तीय संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक की स्थापना की गई, विश्व बैंक काम करता है। हालांकि इन सभी संस्थाओं का गठन एक साथ नहीं किया गया,
अलग अलग वर्षों में किया गया, लेकिन बाद में सभी संस्थाएं स्थापना हुई और अपने आप को विश्व बैंक के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आइए इस पांचों के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं आईबीआरडी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आईबीआरडी का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक, इसी को विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन यह बैंक 1945 ईस्वी से काम करना शुरू किया था। आईबीआरडी मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और आईबीआरडी में 189 मतलब 189 सदस्य हैं। और आईबीआरडी के मतलब विश्व बैंक के जो सदस्य होते हैं वह अमेरिका के ही होते हैं। आप याद कर लें कि विश्व बैंक के श्रृंखला में जितने भी बैंक है उन सभी बैंकों के अध्यक्ष और सभी बैंकों के मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ही। इसके पीछे वजह है कि इन सारे बैंकों के स्थापना में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद, सबसे ज्यादा पूंजी का निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, इसलिए इन सबका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष महानिर्देशक संयुक्त राज्य अमेरिका के ही होते हैं। और कौन बनेगा यह तय करना भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अधिकार है। अध्यक्ष अमेरिका के ही होते हैं और आईबीआरडी को ट्रिपल ए रेटिंग, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, ट्रिपल ए रेटिंग 1959 ईस्वी में मिला। दूसरा है आईएमएफ मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना भी आईबीआरडी के साथ ही 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था। चूंकि आईबीआरडी और आईएमएफ मतलब अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना चूंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था, इसलिए आईबीआरडी और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह 1945 से मतलब आईएमएफ 1945 से कार्यरत है और आईएमएफ के अध्यक्ष भी अमेरिका के ही होते हैं और आईएमएफ का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। तीसरा है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और आईएफसी में सदस्य देशों की संख्या 184 है और आईएफसी को ट्रिपल ए रेटिंग की मान्यता 1989 ईस्वी में 1989 में मिला था। तीसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई और आईडीए में सदस्य देशों की संख्या 173 है। उसके बाद करते हैं मीगा, एमआईजीए, मीगा संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सदस्य के रूप में, विश्व बैंक के सहयोगी के रूप में काम करने वाली सबसे अंतिम इकाई है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया और इसमें सदस्य देशों की संख्या 179 मतलब 179 है और इसका मुख्यालय भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। मीगा का पूरा नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा का पूरा नाम है। अब आते हैं चीन, जो भारत का पड़ोसी देश है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है, एशिया महादेश में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से चीन सबसे बड़ा देश है, लेकिन चीन विश्व बैंक का सदस्य 1980 में बना।
भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मौलिक सदस्य है। मतलब जिस वर्ष विश्व बैंक और मुद्रा कोष की स्थापना हुई उसी वर्ष से भारत दोनों का सदस्य बन गया। दूसरी बात, भारत 1956 में आईएफसी का सदस्य बना, 1960 में आईडीए का मेंबर बना और 1994 ईस्वी में एमआईजीए मीगा का मेंबर बना। पर आपको बता दे, भारत को विश्व बैंक से पहली बार ऋण, भारत को विश्व बैंक से पहली बार कर्ज 1949 ईस्वी में रेलवे के रिकंस्ट्रक्शन के लिए मिला था, रेलवे के विकास के लिए मिला था। और आईएफसी से भारत को ऋण 1959 में, आईडीए से 1961 में राज्य मार्गों के निर्माण के लिए मिला था। और विश्व बैंक से सबसे ज्यादा ऋण अभी तक अगर किसी देश को मिला है तो भारत को मिला है। जितना विश्व बैंक ने भारत के विकास के लिए भारत को ऋण दिया है उतना विश्व बैंक से अन्य किसी देश को ऋण नहीं मिला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले, किसी भी सदस्य को या किसी भी देश को विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि पहले वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बने। मतलब जब तक कोई देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनेगा उसे विश्व बैंक की सदस्यता नहीं मिलेगी। मतलब विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना पड़ता है। दूसरी बात कि विश्व बैंक का सदस्य बन जाने के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई देश आईडीए, आईएफसी और मीगा का सदस्य बन सकता है। तो ये रहा विश्व बैंक और उसकी अनुषंगी इकाइयां। उम्मीद है ये जो ज्ञान मिला बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आप सबका सहयोग करेगा और खास करके बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के सिलेबस में भी इस बात की चर्चा करना है। धन्यवाद।